I have the pleasure of welcoming Dr. Priyesh here at the Damsey Studio. Rank 14 AIIMS November 2015, Rank 16 PGI November 2015. Wonderful rank, wonderful performance, sparkling digits. Dr. Priyesh, आप यहाँ पर Damsey Studio में आए हैं, आपका स्वागत है. कैसा लग रहा है आपको अपनी इस सक्सेस पर? काफी खुश हूँ मैं अपनी परफॉर्मेंस से. जितना मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी एम्स में और पीजीआई में. बट मेन यही था कि मेरा कमिटमेंट था एम्स की तरफ, एंड अच्छे फ्रेंड्स थे मेरे, अच्छा गाइडेंस मिला मुझे डैम से, तो मैं ये रैंक स्कोर कर पाया. थैंकफुल टू दैट. सो नाइस ऑफ यू. बड़ी अच्छे शब्दों में आपने शुरुआत करी है बातचीत की. पर मैं ये कहूँगा, आपका हार्डवर्क है, आपकी मेहनत है, जो आपने एम्स पीजी एग्जाम 2015 नवंबर में 14 रैंक और पीजीआई चंडीगढ़ नवंबर 2015 में 16 रैंक अर्जित किया है. थोड़ा मुझे यहाँ पर बताएं डॉक्टर प्रियेश, क्या राज है आपकी इस परफॉर्मेंस का, क्या सक्सेस का राज है? सर, अगर एम्स आपको निकालना है मेरे हिसाब से, तो आपका कमिटमेंट सबसे पहले होना चाहिए. सबसे पहले यू शुड बी थिंकिंग अबाउट ओनली एम्स. तो आपका लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल एग्जाम शुड बी एम्स. अच्छा, ऐसा नहीं कि उसके बाद भी एक एग्जाम है वो देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपका लास्ट एंड फाइनल एग्जाम जो है एम्स ही होना चाहिए. और आपके फ्रेंड्स जो हैं, फ्रेंड सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करते हैं. कोई खास दोस्त या जी, कोई ऐसे लोग जिन्होंने आपकी मदद करी हो, जिनको आप ये सेहरा देना चाहते हो? जी, मेरी गर्लफ्रेंड है, वो बहुत सपोर्टिव थी. एंड okay. हाँ हाँ जी, अभी भी हैं, मतलब हमेशा ही रहेंगे वो. तो जी जी, दैट्स शी इज रियली फॉर्चुनेट यू नो कि आपके साथ वे हैं जीवन में. और यू हैव स्कोर्ड रैंक ऑफ 14 इन एम्स एंड रैंक 16 इन पीजीआई. शी इज रियली वंडरफुल पर्सन एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट ऑल्सो. थोड़ा मुझे ये बताएं कि डैम्स को ज्वाइन करके क्या फायदा हुआ आपको इस प्रिपरेशन में पीजीएम की? एक्चुअली टीएनडी का सबसे मेन जो फायदा होता है वो ये है कि आपको 7 डेज का टाइम मिलता है. तो आप उसमें आप एकदम फोकस्ड पढ़ाई करते हैं, एंड आप भटकते नहीं है इधर उधर, आप एकदम फोकस्ड रहते हैं कि आपको 7 डेज में सब्जेक्ट खत्म करना ही है. अच्छा, हाँ जी. और उसका विद रिविजन आपको सब करना होता है. तो सबसे प्लस पॉइंट यही है टीएनडी का, कि आपको एक टाइम लिमिट मिलता है, उस टाइम लिमिट में आपको बेटर परफॉर्म करना है. तो बेस्ट यही है टीएनडी के लिए. जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, कि जो आपको एक टाइम फ्रेम मिलता है कि इस अगले 7 दिनों में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे अपनी तैयारी को, तो वो कंप्लीट करने में वो समय की जो बाउंडेशन है वो आपके लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसको एक धारदार औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं. बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके. वी आर टॉकिंग टू डॉक्टर प्रियेश, एम्स रैंक 14 नवंबर 2015 एग्जाम एंड पीजीआई रैंक 16 नवंबर 2015 एग्जाम. बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत जरूरी बात जो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स, जो भी डॉक्टर्स प्रिपेयर करते हैं पीजी के लिए, वो होता है समय को कैसे मैनेज करें. तो आपका क्या रहा, आपने कैसे अपने समय को मैनेज किया जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? जी, सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो आपकी अराउंड 6 to 7 आवर्स स्लीप, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तभी आप रिलैक्स कर पाएंगे, तभी आप रिलैक्स माइंड से पढ़ पाएंगे. एंड आप 10 आवर्स दे दीजिए एक दिन में, अगर आप इफ़ यू कैन गिव, नहीं तो 6-7 आवर्स इज ओके, बट एटलीस्ट 10 आवर्स. और आप उसको डिवाइड कर लीजिए, आप स्मॉल स्मॉल टारगेट्स बना लीजिए कि आज ये सब्जेक्ट खत्म, आज ये टॉपिक खत्म करना मुझे विद एमसीक्यूज. एंड आप ऐसे करते रहेंगे तो आपका टाइम लिमिट बड़ा अच्छे से यूज होगा और आपको रिटेन रहेगा ये चीज़. ग्रेट, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई हमारे सुनने वालों को. और यहाँ पर थोड़ा बात निकली है टाइम मैनेजमेंट की, ये आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर प्रियेश, कि आप जब प्रिपेयर करते थे तो क्या मेथड रहता था पढ़ने का आपका? क्या आप सिलेक्टिव ज्यादा पढ़ते थे या टोटल एक्सटेंसिव स्टडी करते थे, कैसे आपका रहता था? एक्चुअली जो फर्स्ट रीडिंग जो मैंने करी थी वो एक्सटेंसिव थी. अच्छा, मैंने काफी एक्सटेंसिव थी वो स्टडी. फिर जब जैसे आप रिवीजन करते हैं तो आपको पता लगने लगता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, तो आपका एक्सटेंसिव से फिर वो सिलेक्टिव हो जाता है. तो सिलेक्टिव को फिर बार बार आप रिवाइज करते रहिए, एमसीक्यूज नए नए करते रहिए आप, अगर आपके पास टाइम है तो. नहीं तो थ्योरी पे आप ज्यादा फोकस करिए मेरे हिसाब से, तो वो ज्यादा बेटर है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने. और क्योंकि जब ये सब बातें आपसे मैं पूछ ही चुका हूं, तो फाइनली एक आपसे कुछ शब्दों में ये जानना चाहूंगा, एक परफेक्ट मिक्स ऑफ सक्सेस आपके अनुसार क्या है?
सबसे पहले आपका हार्ड वर्क काउंट होता है जी, देन योर कमिटमेंट, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली जो आपके लिए सपोर्ट करते हैं आपको, आपके जब नेगेटिव्स होते हैं आपके तो आपको सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं तो आप उसको और एक्सटेंड कर देते हैं वो लोग। तो मिक्स यही है कि आप हार्ड वर्क करते रहिए, कमिटमेंट है आपका, और अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ते रहिए। और ये सब बातें मिल जाती हैं जब, तो हमारे सामने आ जाते हैं डॉक्टर प्रियेश, जिनका रैंक 14 एम्स नवंबर 2015, रैंक 16 पीजीआई चंडीगढ़ नवंबर 2015 एग्जाम। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि डैम्स काफी एक्टिव रहता है, काफी हम लोग एक्शन करते रहते हैं फेसबुक के ऊपर, हमारा एक्सक्लूसिव क्लब है डैम्स एक्सक्लूसिव क्लब, आपका उसके ऊपर कैसा तजुर्बा रहा? फेसबुक मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बट जिससे भी मैं सुनता था तो उस पर काफ़ी न्यू क्वेश्चंस होते थे। मैं पर्सनली मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट जो है मैं अपने टीचर से क्वेश्चन करूँ, क्योंकि वो डायरेक्ट में मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो क्या डैम्स में ऐसा मौका मिलता था कि टीचर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने का समय या मौका मिले आपको? जी बिल्कुल, बहुत सपोर्टिव टीचर्स हैं, और आप कभी भी उनको बोलेंगे तो वो आपको डायरेक्ट मिलेंगे और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डॉक्टर प्रियेश, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा और अपने सुनने वालों को भी कि हम हर साल तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में एक डीबीटी सेशन कंडक्ट करते हैं, 3 दिन का ये सेशन होता है। क्या आपने ये 2015 में जो हमने किया था डीबीटी सेशन तालकटोरा स्टेडियम में, क्या उसको अटेंड किया था आपने? जी हाँ, मैंने पूरे 3 दिन उसको अटेंड किया था। अच्छे से कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि अभी जो एम्स में जो क्वेश्चन थे, आई थिंक अराउंड 40 क्वेश्चन थे जो इमेज बेस्ड थे। जी जी, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था वो आपका डीबीटी जो था, एंड उसमें जो इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा मिली है जी, वो भी काफी जरूरी थी, और ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस था डीबीटी का। डीबीटी की बात चली है तो यहाँ पे हम लोग कंडक्ट करते हैं सीबीटी आल्सो, दैट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या आपने डैम्स का सीबीटी लिया था? अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ले पाया था सीबीटी, बट मैंने सुना था अपने फ्रेंड से, उन्होंने बताया था कि काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जी, और मार्किंग पैटर्न जैसा आपका होता है एकदम, जो एआईपीजी जो आप जैसे करते हैं वैसे ही पैटर्न होता है मार्किंग जी, का जी, और एम्स के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे जो एम्स का सीबीटी हुआ था जी। तो ओवरऑल अगर आप आपकी तैयारी अच्छे से आप अगर आप ठीक से कर रहे हो तो आपको सीबीटी भी कर लेना चाहिए मेरे साथ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है ये आपसे सब जानकारी पाकर। हम लोग जानते हैं कि डैम्स का स्टडी मटेरियल काफी एग्जॉस्टिव होता है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के ऊपर बेस्ड होता है, और हम उसमें कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, जैसे कि लास्ट लुक सीरीज है हमारी, हैरिसन नोटबुक है। आपका क्या उस पर राय है डॉक्टर प्रियेश, जो डैम्स के पब्लिकेशन है? लास्ट लुक जो है वो बहुत अच्छी बुक है, हैरिसन नोट्स जो है आपके, एंड उसमें एक्चुअली एकदम कंजेस्टेड एकदम मटेरियल जो आपका कंसोलिडेट करके आप दे देते हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट बुक करके आप एकदम जी जी, और तो काफी इन्फॉर्मेटिव होता है और लास्ट के लिए एकदम परफेक्ट है मेरे हिसाब से। मैंने तो वही किया था लास्ट में मेडिसिन के लिए और पैथ के लिए एंड पीएसएम के लिए जी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है। मेरे ख्याल है सब सुनने वाले हमारे इस बात को खास तौर पे सुनेंगे कि क्या क्या स्टडी मटेरियल या क्या बुक्स जो हैं डैम्स के पब्लिकेशंस उनको फायदा देने वाली हैं। लेट मी रिमाइंड माय लिसनर्स आल्सो दैट वी आर टॉकिंग टू डॉक्टर प्रियेश, एम्स नवंबर 2015, रैंक 14 एंड रैंक 16 इन पीजीआई चंडीगढ़ नवंबर 2015 पीजीएमई एग्जाम। हमारे डैम्स में हम एक इवैल्यूएशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब इवैल्यूएशन सिस्टम माने हम जो वेरियस टेस्ट्स लेते हैं, क्या आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हुए या ग्रैंड टेस्ट हुए या रिवीजन टेस्ट हुए, क्लास टेस्ट हुए, आपकी क्या राय है इन टेस्ट के बारे में? क्या ये फायदेमंद होते हैं या ये किस हद तक स्टूडेंट की मदद करते हैं? जी काफी फायदेमंद है, क्योंकि आपको आप 3 घंटे बैठना सीख जाते हैं एक्चुअली जी एग्जाम देने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है, और उसमें आप कीप एंड काम आप रखते हैं आराम से और आप आगे बढ़ते रहते हैं उसके हिसाब से। तो जीटी वगैरह आपको दे देना चाहिए वैसे अगर आपके पास टाइम है तो, और बाकी सब अच्छा था वैसे जो भी। मैं लास्ट में एक्चुअली टीएनडी के जो अपने एमसीक्यूज होते हैं वो रिवाइज करके गया था, और काफी इन्फॉर्मेटिव होते हैं उनमें से भी, कुछ ना कुछ मतलब आस पास जो है क्वेश्चंस होते हैं। डॉक्टर प्रियेश, थोड़ा मुझे ये बताएं कि जो समय आपने डैम्स के साथ गुजारा तैयारी करते वक्त, क्लासेस लेते समय या एग्जाम्स लिखते समय डैम्स के,
तो जब आपने पहले दिन ज्वाइन किया था डैम्स और जब आखिरी दिन था आपका बिल्कुल एग्जाम देने वाले समय तक, क्या अंतर आपको अपने अंदर महसूस होता है कि डैम्स में आकर ये अंतर मेरे अंदर आ गया है? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस आता आप में जी कि आप इतना अच्छा, आपका नोट्स वगैरह हैं, इतने अच्छे टीचर्स होते हैं यहाँ पे, आपको गाइड करते हैं वो अच्छे से जी और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस दिलाते रहते हैं बार बार पे। और टेस्ट एंड डिस्कशन जो आपके MCQs होते हैं और जो उसमें रिजल्ट आता है, फिर उसको देख के और भी अच्छा लगता है। तो मेन जो है कि लास्ट में कॉन्फिडेंस था मेरे में बहुत ज़्यादा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। टीचर्स की बात निकली है, फैकल्टी की बात निकली है, तो हमारे साथ जरूर शेयर करें डॉक्टर प्रियेश कि कौन सी फैकल्टी है, कौन से ऐसे टीचर्स हैं डैम्स में जिन्होंने आपको बहुत ही इन्फ्लुएंस किया और काफी इम्प्रेस किया। सबसे पहले डॉक्टर सुमेर सेठी, जी उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा किया है। वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं एंड बहुत ही अच्छे गाइड हैं, एंड आप कभी भी उनसे क्वेश्चन कीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड गाइनी गाइनी डॉक्टर दीप्ति बहल, एंड उनको उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हमें, जो कि बहुत काम किया है ऑब्वियसली, क्योंकि एम्स में अब की बार काफ़ी ऑब्स गाइनी के क्वेश्चन थे कि जी उनकी हेल्प से सॉल्व हुए हैं। एंड एनाटमी एनाटमी इज़ वेरी गुड, एनाटमी फैकल्टी इज़ वेरी गुड, एंड ऑब्वियसली ENT इज़ वेरी गुड, एंड PSM इज़ वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। एंड समय की थोड़ी कमी है यहाँ पर, तो अब बातचीत जल्दी जल्दी करेंगे। ये तो हम सबको क्लियर हो गया कि जब आपका रैंक 14 है एम्स में और 16 है PGI चंडीगढ़ में, तो आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे सीधे तौर पे जानना चाहूँगा कि कौन सी ब्रांच में आप स्पेशलाइज करना चाहेंगे डॉक्टर प्रियेश मेडिसिन चाहता हूँ मैं तो, जी। फर्स्ट चॉइस इज मेडिसिन एंड फर्स्ट एंड लास्ट इज मेडिसिन एक्चुअली। एंड यू विल गेट मेडिसिन, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड बिफोर वी वाइंड अप दिस कन्वर्सेशन, जाते जाते आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या आप राय, क्या एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे? मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप रेगुलर कोर्सेज ज्वाइन कीजिए डैम्स के, क्योंकि आप एकदम कॉम्पैक्ट नोट्स मिलेंगे आपको, जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं लास्ट में रिविजन के लिए। एंड TND भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि TND आपको फोकस कर देता है एकदम कि आपको 7 डेज में ही ख़त्म करना है। तो मैं कहूँगा कि आप अच्छे से अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते रहिए फ़िलहाल, एंड MCQs भी करते रहिए साथ साथ, एंड डैम्स ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रियेश, आपके ये शब्द बहुत ही अच्छे लगे सबको सुनने में और बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आई है, जो भी आपने हमें यहाँ पे सूचना दी सबके लिए बहुत जरूरी रही। वी वर टॉकिंग टू डॉक्टर प्रियेश, एम्स रैंक 14 इन द नवंबर 2015 एग्जाम एंड PGI चंडीगढ़ नवंबर 2015 एग्जाम रैंक 16। वी विश यू ऑल द बेस्ट, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जीवन में आगे आगे जाएं और दोबारा हमसे जरूर मिलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दैट्स ग्रेट।